नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और वीडियो में मैं मुकेश मेनारिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक के बारे में, जो कि आज हम बैंकिंग सेक्टर से जो स्टॉक्स है बहुत ही ज़बरदस्त लास्ट फ्राइडे को इसमें जो एक 10% से भी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। और दोस्तों कमल का इसमें एक 3 साल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 3 साल की रेंज को इसने ब्रेक किया है। और दोस्तों इसका नाम है एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक पिछले 2019 से ये स्टॉक्स जो पिछला हाई था उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो 850 का लेवल को इसने अभी 900 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों चार्ट ऑफ द वीक में हमने इस स्टॉक को इसलिए पिक किया क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और दोस्तों काफ़ी कमाल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिला। और दोस्तों विथ वॉल्यूम वॉल्यूम और ब्रेकआउट की कैंडल दोनों ज़बरदस्त इसमें सपोर्ट मिला है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देख के हम लोग देखेंगे कि किस लेवल पर हमें आगे बाइंग करना और यहाँ से क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो में इस स्टॉक को पूरी डिटेल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों इसमें मेरी कोई पर्सनल सलाह नहीं है बाय एंड सेल करने की। अगर बाय एंड सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं क्योंकि मैं एक्चुअली में बाहर हूँ, तो इसलिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक अपलोड करूँगा। तो दोस्तों चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। दोस्तों शायद कल का वीडियो भी आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का शायद मैं नहीं मिलूँगा और वो भी आप लोग को मोबाइल से अपलोड करूँगा, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा चार्ट देखने में और उसको एनालिसिस करने में। तो ये चार्ट ऑफ द वीक का आप लोग खुद अपनी जो पीसी या लैपटॉप के चार्ट उसमें स्क्रीन पे देखोगे तो और भी अच्छा आपको दिखेगा। तो ओवरऑल में इसको लेवल में आपको यहाँ पे बता दूँगा और कि स्टॉप लॉस रहेगा टारगेट रहेगा। और इसको हम लोग ओवरऑल हम 1 से 2 साल के लिए अगर होल्ड करें तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पर चार्ट पैटर्न जो ब्रेक किया है उसको हम लोग होल्ड करके चलें और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों इसने जो 900 की क्लोजिंग दी है जो कि लाइफ टाइम हाई है और इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया है जो कि पिछला 850 का लेवल जो है वो इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो इसको उसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे इस ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम आप देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम आया और यहाँ पे पिछला कंसोलिडेशन हुआ था तभी वॉल्यूम बहुत ही कम था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला। तो इसको हम लोग 900 के ऊपर जब भी सस्टेन होता है नेक्स्ट वीक में तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा दोस्तों यहाँ पे 800 के नीचे यानी कि 790 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आप अगर इस स्विंग लो के नीचे अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आपको 700 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको फिर 790 का स्टॉप लॉस रख के चलना है। और दोस्तों जो टारगेट है वो बहुत ही कमाल का टारगेट आपको निकल गया है, यहाँ से आपको 300 पॉइंट ऊपर की तरफ यानी कि 1200 के लेवल देखने को मिल सकता है। पिछले 6 से 8 महीने में आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र बनाए रखें क्योंकि दोस्तों जो ये कंसोलिडेशन है ना इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से एक अच्छी रैली मोमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि लास्ट वीक में हमने देखा बैंक निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट किया और बैंक निफ्टी को अकेला एक्सिस बैंक ने जो अपमूव में जो सपोर्ट किया है जो कि वेटेज भी काफ़ी अच्छा है बैंक निफ्टी में इसका, तो काफ़ी अच्छा इसमें भी सपोर्ट मिला है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आप लोग देख रहे हो कि 650 पॉइंट प्लस में जो कि 40,500 का लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, तो इसमें एक अहम रोल जो है वो एक्सिस बैंक का भी है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है।
बैंक निफ्टी को भी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में इसका काफ़ी बड़ा रोल रहेगा, तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें दोस्तों। 900 के ऊपर ही हमें बाइंग करना है, यानी कि यहाँ पे नीचे क्लोज होता है नेक्स्ट वीक में कुछ न्यूज़ वगैरह आए तो हम लोग यहाँ पे नीचे नीचे लेते नहीं दोस्तों, यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एक दो दिन सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। तो टारगेट मैंने यानी कि लॉन्ग टर्म का टारगेट बता दिया 1200 का, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेके जाना है तो फिर आपको 1120 के टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 1220 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। दोस्तों आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।